मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। आपको बता दूं कि आज किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि हिंदी जिसमें आता है तो ये सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन हो रहा है। पूरा फुल लेंथ 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूं और डेली एक सर डेली अपलोड होगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पूरा डेली 50 क्वेश्चन का सेट आप देखते रहते हैं तो प्यारे साथियों आपकी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है प्यारे साथियों, वर्णमाला से चा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। पहला ऑप्शन है तालु, दूसरा ओष्ठ, तीसरा कंठ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चा वर्ण का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो इसका उत्तर आपको बता दें प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा तालुब या तालु। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से है, आपने सूत्र सुना होगा इचू यसा नाम, यसा नाम इचू ऐसा नाम तालब्या। ई छोटी बड़ी और पूरा चा वर्ग या और बड़ा सा, ये सब किससे बोले जाते हैं तो बताओ। ताल उसका उच्चारण किया जाता है। 50 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो वर्णों के समूह को प्यारे साथियों वर्णमाला कहा जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है छात्रज्ञा, छात्रज्ञा ये तीनों कौन से व्यंजन है, तो आप बताए छात्रज्ञा ये न किसी न किसी दो शब्द से मिलके बने हैं, जैसे का जो है का और प्लस सा से मिलके बना है। इसका मतलब क्या है, ये दो शब्दों से मिल जो कोई किसी शब्दों से मिलके बनता है वो क्या कहलाते हैं, तो आप बताओगे वह सभी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये का किससे बना था, ता और रा से मिलके बना है, त्रा हो गया। ये क्या है किससे बना है, जा, तो जा और प्लस तो इसका मतलब जा प्लस यहाँ से मिलके बना तो क्या हो जाएगा, तो क्या, तो ये इसका मतलब क्या है, संयुक्त व्यंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं शब्द निम्न में से कौन सा, गेहूं का तत्सम रूप पूछा गया है, गोहूं होगा, गोधूम होगा, गोहूं होगा, गोधूम। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, गेहूं का क्या होता है, गोधूम होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें सुने। क्या ईमानदारी एक व्यक्ति की भाव कहीं दिखती नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, डिब्बे का जो है एक वचन है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी डिब्बे का, हाँ डिब्बे का, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल कौन सी संज्ञा है, फूल में कौन सी संज्ञा है, तो फूल क्या, अभी फूल क्या हो जाएगा आप बताओ, फूल किसी को भी कह सकते हो, कोई किसी भी प्रकार से चमेली का हो, कोई गुलाब का हो, किसी को भी फूल कहते हो, तो इसका मतलब क्या है, जातिवाचक। लेकिन जब भी हम चमेली का फूल कहते हो तो क्या हो जाएगा ये, तो आप बताओगे ये जाति नहीं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा, जब किसी स्पेसिफिक को डिनोट करते हैं वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। लंबोदर में कौन सी कौन सा शब्द है, योग है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, तो बता दूं लंबोदर में योग रूढ़ है। देखिए लंबा है उदर जिसका, लेकिन आपको बता दूं इसका केवल अर्थ क्या होता है, तो बताओगे गणेश जी होता है। इन दो अर्थ मिलके बन, दो शब्द मिलके बने हो लेकिन कोई तीसरा अर्थ निकले उसे बोलते हैं, तो बताओगे उसे योग रूढ़ बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसे। लंबोदर ए ऐ का वर्ण को कहलाते हैं, नासिक के मूर्धन्य ओष्ठ या कंठ तालब, तो ए आई क्या कहलाते हैं, तो बताओ कंठ तालब व्यंजन कहलाते हैं। चलते हैं ये कंठ तालब स्वर कहलाते हैं, व्यंजन निकल गया। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे टुकड़े नहीं किया जा सके, जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते क्या कहलाते हैं, तो वह वर्ण कहलाते हैं, यानी ऑप्शन दिख गया आंसर आपको, चलिए कोई बात नहीं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीव लगाने से होता है, ऊपर के दांतों जीव लगाने से होता है, दंत हो जाएगी नासिक के मूर्धन्य अनुस्वार, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ऊपर के दांतों पर जीव लगाने से होता तो उन्हें दंत व्यंजन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ए करेक्ट हो जाएगा। वीडियो में बने रहे, बहुत बेहतरीन बात आपको क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं। व्याकरण भाषा को पहचानने को क्या कहा जाता है, तो बताओगे नियम कहा जाता है। भाषा को पहचानने को क्या कहते हैं, नियम कहा जाता है, नहीं तो आप बहुत बेहतरीन बेहतरीन। पुष्प में कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव, देशज है, विदेशज, कौन सा शब्द है पुष्प, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, पुष्प क्या है, तत्सम शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। ऊ दंत है कि कंठ है कि ओष्ठ है कि होठ है, तो
तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है पैर से, तो उच्चारण स्थान आपको याद करने में समस्या जरूर होती है, दो तीन बार आप जरूर देखें तो बताओगे होठ से इनका उच्चारण किया जाता है। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह प्यारे साथियों तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर बनते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट, और जो धातुओं से बनते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। जिस समाज में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता, पहला पद क्या होता गौण होता, उत्तर पद प्रधान होता है, वह क्या कहलाते हैं, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होने से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्लास में संधि विच्छेद कौन सी, तो बताओ उत प्लस लास यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से देश शब्द को चुनिए, देश शब्द कौन है, यदि गड़बड़ झाला है कुछ तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। तुम जा रहे हो कौन सा काल है प्यारे साथियों, वर्तमान है कि भूतकाल है कि भविष्यकाल है, इनमें से कोई नहीं। तो तुम जा रहे हो मतलब अभी जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, वर्तमान काल है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाक कौन सा लिंग है, नाक में कौन सा लिंग है, पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, या ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो नाक कौन सा लिंग है, तो आप बताओगे स्त्रीलिंग। कहते हैं नाक बह रही है, आप इसको वाक के प्रयोग कर लिया करिए आपको समझ में आ जाएगा, नाक बह रही इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। समास के कितने प्रकार हैं, तो आप बताओ समास के कितने प्रकार, आप बताओगे छह प्रकार हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा पैर साथियों, तो बताओ नेत्री होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो बताओ दाता क्या क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सॉरी आप दात्री ही करेक्ट होगा इसमें, यहाँ पर ये थोड़ा सा लग गया गलत, यानी ऑप्शन डी ही होगा, बस उसमें राह हटा दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है, तो बताओगे क्या होता है, तो बताओ इंद्राणी होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट, डी नहीं सी करेक्ट हो जाए। इंद्र का क्या स्त्रीलिंग, बताओगे इंद्राणी होता है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा यति का, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति के नाम से जाना जाता है। छप्पे किस प्रकार का छंद है, तो बताओगे देखिए सम विषम तथा अर्धसम तीन प्रकार के छंद होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा विषम मात्रिक छंद है। चलते हैं बने रहिए प्यारे साथियों। किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द एक समान होता है, प्रथम और अंतिम, तो आप बताओगे कुंडलिया में, और इसमें कितने चरण, छह चरण होते हैं, ये भी आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ पर हुआ था, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ पर हुआ, तो उत्तर भारत में हुआ था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है, तो इनमें से सभी में खड़ी बोली बोली जाती है, रामपुर, मेरठ और देहरादून, सभी में जो है दिल्ली में भी बोली जाती है खड़ी भाषा। भाषा आधार सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, भाषा के आधार पर, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश का गठन सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट है पेंसिल शब्द है, पेंसिल शब्द आप बताओगे किस प्रकार का, तो बताओ स्त्रीलिंग शब्द है पेंसिल शब्द। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो बताओ खाट शब्द क्या है, तो आप बताओगे स्त्रीलिंग है। चलते हैं इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है, पेड़ फल से गिरा, मैंने हरि को बुलाया, लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, तो हरि जहाँ का को विभक्ति का लोप हो लेकिन वहाँ कुछ देने का भाव ना हो, जहाँ पर देने का भाव हो जाता है वहाँ संप्रदान, जैसे हरि ने मोहन को रुपए दिए, यहाँ पर किसी को देने का बोध हो रहा, तो यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा, नहीं तो इसमें भी हो जाता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द अनुनासिकता है, अनुनासिक कौन है, सौंदर्य है, संचित है, संपत्ति या सौंपना है, अनुनासिकता है, तो इसका उत्तर क्या, सौंपना जो है क्या अनुनासिक है, यानी कि नाक और का प्रयोग किया जा रहा ज्यादा। रवि तनया शब्द का पर्यायवाची शब्द है, रवि तनया किसे बोलते हैं, कालिंदी को बोलते हैं, यमुना का पर्यायवाची ही है रवि तनया। वृद्धि का विलोम क्या होता है, तो वृद्धि का विलोम क्या होता है, ह्रास होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी 50 क्वेश्चन पूरा करने वाले प्यारे साथियों वीडियो में बने रहें। अर्थभेद सही है किसका, अजर का क्या होता है, बूढ़ा ना हो, अजीर का होता है आंगन करे, अर्थभेद सही है। मेघ का बादल होता है जबकि मेघ का अज्ञ, इनमें से
करेक्ट बताना है तो पहला वाला ही करेक्ट है। देखिए इसमें से मेघ का अर्थ बादल का अर्थ, लेकिन मेघ का अर्थ होता है अज्ञानी नहीं होता, होता ज्ञानी होता है। रुख रुख का अर्थ होता किसी तरफ, और रुख का अर्थ होता थोड़ा सा कहते हैं मतलब खुरदुरा टाइप। रोच रेचक का अर्थ अस्थावर होता, लेकिन रोचक का रोचक का दिलचस्प होता, लेकिन रेचक का स्थावर नहीं होता है। इसमें पहला वाला आंसर ही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प का सही संप्रदान तत्पुरुष समास है, किसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है तो आप बताओगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्याग्रह और सहचर्य सारक राह खर्च में जो है सत्य के लिए ग्रह और राह के लिए खर्च, यानी के लिए जहां पर होता है वहां पर क्या होता है तो बताओगे। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो चंचछु में साख होता है और माइंड मीन्स चंद्रमा होता है, ये इसमें जो है पर्यायवाची नहीं है। आत्मजा दुर्जा दोनों बेटी के पर्यायवाची हैं, अरविंद और पुंडरीक दोनों जो है कमल के पर्यायवाची हैं, और ऊपर और प्रस्तर जो है पत्थर के पर्यायवाची हैं, तो ये सब करेक्ट हो जाएगा। विरोध करना का सही मुहावरा किस तो बताओ, सिर उठाना जो होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य प्राप्ति करना, कठोर परिश्रम करना मतलब होता है समुद्र मंथन करना होता है। नाश कर देना का सही अर्थ क्या होता है, पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना या पानी भरना, तो नाश कर देना करता पानी फेर देना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दाम दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, कपड़ा है कि अधी है कि अधर क्या दामनी, तो इसका उत्तर फिर साथियों क्या हो जाएगा आप बताओ कि कपड़ा जो है हो जाए पर्यायवाची इसका हो जाएगा। चलते हैं। मानव मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना चाहिए, तो महात्म का शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसका उत्तर जो है महात्म ये वाला करेक्ट है, महात्म होता है, आधत्ता होना चाहिए था बस वहाँ करेक्ट हो जाएगा। इनमें से प्रत्यय अनुपयोगी शब्द कौन सा है, तो विवाद जो है बी में वाद लगा है तो ये प्रत्यय हो जाएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट है। किस प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं किया गया है, अंकले अंकल प्लसेरा, देखिए यहाँ पर भी गलत प्रयोग हुआ है और यहाँ पर भी गलत, केवल दो सही, देखिए राधा प्लस है दो गलत है इसमें, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोनों गलत है इसमें से, इसमें एक ही उत्तर दिया हुआ है। किस शब्द के उप और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं, तो अकथनीय में जो है आ प्लस कथन और प्लस ये, देखिए यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय लगा आगे जो है उपसर्ग लगा है, दोनों जुड़े हुए हैं। चलते हैं। विकारी और अभिकारी शब्दों को कितने भेद हैं तो बताओगे, आठ, विकारी के चार होते हैं और अभिकारी के भी चार होते हैं, आपने पढ़ा होगा। चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ शब्द, तो आप बताओ कुलीन जो है संज्ञा से बना हुआ शब्द है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद जय भारत।